तो पता होगा मेरा नाम है कितु। हम एक चैलेंज डाले, उसका नाम है योगा चैलेंज। हमने एक और भी वीडियो डाली, उसका नाम है टाइप्स ऑफ ब्रदर्स। चलो मैं एक दीदी के साथ बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरे पैर पर चोट लगी इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ। सो आप पहले जो मेरे सुपरस्टार मासी वाली वीडियो देखी थी, एक्चुअली वे कोवाइटर हैं और उनकी बुक पब्लिश हुई है स्टे हेल्दी, इस पर उन्होंने योगा करा है, तो उसका हम देखे हुए करेंगे। बिकॉज मेरे को योगा तो पता है, इनके लर्न भी हैं, लेकिन मुझे इनके नाम नहीं पता और नाम तो मुझे बताने पड़ेंगे। इसमें पूरा आई थिंक 18-17 योगाज होंगे, तो जो हम आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट इज सूर्य प्राणायाम, जो कि ऐसे करते हैं। सबसे पहले आपको चौकड़ी मारनी है और ये आपको ये वाला पैर दिखते हैं ना, उसको ऊपर करना है। फिर हमें हाथ जोड़ने हैं, थोड़ा कितु से ऊपर करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब नेक्स्ट हम योगा करेंगे, जिस ये सूर्य प्राणायाम था जो कि तूने किया। नेक्स्ट इज त्रिकोणा ट्राइंगल पोज, और ये है वो। सबसे पहले हमें आपको आपका लेग सीधा होना चाहिए, आपका ये आगे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे पैर आपके आगे नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जूस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने 10-10 बारी की है। हमने एक बारी 10-10 कर लिया है, क्योंकि कित्तू का जो बैलेंस है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो डेली नहीं करता है। अब है चेयर पोज। चेयर पोज हमें जो ऐसे करते हैं। चलो सबसे पहले हमें अपनी लेग चेयर की तरह बनाना है। फिर वैसे हमने ऐसे किया था ना चौकड़ी मार के, हमें ऐसे ही करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगला योगा है फॉरवर्ड बैंड पोज। सबसे पहले हमें अपने सीधे रखना पड़ता है, राइट करने वाले वो भी 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब नेक्स्ट योगा है हमारा फुल बटरफ्लाई पोज और कोबरा पोज, जो कि ऐसे करते हैं। सबसे पहले हमें चौकड़ी मारनी है, नहीं चौकड़ी मारनी, हमें अपने पैर जोड़ने हैं। वैसे हम ऐसे करते हैं ना, वैसे करना है। फिर हमें दोनों साइड से पकड़ने हैं, फिर हम करते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, वो करना है वो भी पूरे 20 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट योगा है थंडर बोल्ट पोस्चर। इसका नाम बहुत मुश्किल है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। ये जो हमें ऐसे, आपको पता है चाइनीज लोग खाते खाते ये करते हैं, व्हेन दे आर ईटिंग फूड दे डू दिस योगा। सो अब ये कितु करेगा। 1, 2, 3 एंड गो। सबसे पहले हमें ऐसे करना है, वैसे उसमें देखा था, फिर हमें ये अपने ऐसे रखना है, ऐसा हमें पूरी 30 बार करने हैं। 30 seconds। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट योगा है मून पोस्चर, जो कि हमें ऐसे करना है। जैसे हमने अभी चाइनीज वाला करा था वैसे ही बस हमें करना है, लेकिन हमारा सिर नीचे वॉल या जो भी आपकी मैट है उस पे लगाना है और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे करना है कि तो मुझे लगता है कि आपको उस साइड करना चाहिए। नो 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 नो, हैंड शुड बी स्ट्रेट। यस, गो 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 गो, वेरी गुड। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन से करा है। ये देखिए आप, ही इज डूइंग वेरी वेल गाइस। सो हमारा नेक्स्ट योगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपने हमारे टाइप्स ऑफ ब्रदर वीडियो पे बहुत व्यूज दिए थे, और बेल आइकन भी जरूर दो ना, हमारी नई नई वीडियोस आई है वो देख सकते हैं। सो अगला योगा है
कैच स्ट्रेच पोज। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ऐसे खड़े होना है, फिर हमें ऐसे करना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे करना है, ये ओनली 10 times करना है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं, आप इनको वीडियो चॉप करके पढ़ भी सकते हैं। मैं लास्ट में सारे के बेनिफिट्स बताऊंगी बोल कर देख कर, अभी आप ये देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये कैच स्ट्रेच पोस्चर, जो कि ऐसे होना है। जो 1 2 3 गो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। तो हमारा हो चुका है पूरा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, उसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जो कि ऐसे होगा। और इसके एडवांटेजेस अभी पढ़ाती हूँ आपको, बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स मैं आपको लास्ट में बोलूँगी। और ये भी आप कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेच, उसका आपका बैलेंस बनेगा, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता। हमने ये मासी करती है हमारी, तो उनसे नहीं पता। सो इसको 5 5 सेकंड है। तो हम अब करेंगे डॉग फेसिंग डॉग पोज, जो कि ऐसे करना है। सो 1 2 3 गो। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, योर हेड शुड बी अंडर, नो, मेंटेन बैलेंस, नो गाइस ये गलत कर रहे हैं, मैं इसका सीख कराती हूँ। तो मैं ये अंदर लेके जाऊँ ना, ये अंदर नहीं, हाँ थोड़ा अंदर करना, ये नहीं करना दीजिए। हाँ यस, ये गाइस कर पाएंगे पता नहीं, और कमेंट में जरूर बताना आप ये कर सकते हैं, पूरी टांग लेके बाहर आ सकते हैं या दिखाना होगा मैं वीडियो में। तो नेक्स्ट योगा है हमारा, कौन सा नाम है ये, कोबरा पोज, जो कि ऐसे होना है। तो कितू करो, 1 2 3 4 और आपको कैसे पूरा ऊपर देख रहा है, मैंने यहाँ पे पंखा है तो वो पंखा देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हमारा नेक्स्ट योगा है विंड रिलीजिंग पोस्चर, जो कि ऐसे करना है। हमें 1 1 करके अपने पैरों को अपने हेड पे फोरहेड पे लगाना है। No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला योगा है हमारा प्लग पोज, जिसमें हमें अपने पूरी टांगों को पीछे करना है। उसका बेनिफिट्स मैं बोलूंगी, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने पीछे लेके जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योर नेक्स्ट योगा इज द लास्ट योगा है। हमें क्रॉप पोज करना है, हमें सिर्फ लेटना चटाई पर बस। हमें ये पूरे 50 seconds करना होता है, जितना भी हमने योगा किया उससे अगर हम थक गए उसका बेनिफिट्स होता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मेरे को फोटो से ही समझ आ चुका है, तो उस स्टेप्स मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट, वी हैव टू डू दिस 50 seconds ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50। डन। सो आपने सोचा होगा कि इसने बेनिफिट्स तो बताए नहीं, तो मैं अब आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ।
अब हमारा पहला था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इसलिए करते हैं जैसे कि हम नाच के लिए प्रणाम करते हैं, वैसे ही हम सूर्य नमस्कार करते हैं। जब हमने पहले ट्रायंगल पोज करा तो गाइस मुझे आपको एक चीज दिखानी है, आप देख सकते हैं। ये देखो मैं चला रहा हूँ ना स्पिनर को, अपनी एक उंगली में भी चला रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम बेनिफिट्स बताते हैं। बेनिफिट्स ट्रायंगल पोस्चर के बेनिफिट्स, इट टोन्स दी एंटायर बॉडी। ऐसे कहते हैं आपको दिखाई देती हूँ, बोले अच्छा तो यही है। इट इज दी बेनिफिट्स, बेनिफिट्स देखो इसको, ये बेनिफिट्स। आई एम शोइंग यू ऑल दी बुक्स और शुरू से ये स्टे हेल्दी है, ये मैंने उससे साइन लिए थे एज ओम पुद्मा आत पुद्मा ईट्स पुद्मा आत पुद्मा आज पुद्मा की उनका पूरा मंत्र होता है जो करते हैं। ये देखो, ये देखो उसके बाद ही लिखा हुआ है। आप ये भी देख सकते हो, मुझे मेरे बदे मुझे हॉटवीट स्टाइल दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉटवीट। हम इसकी वीडियो डाले आप देख सकते हैं। ये कलर चेंजिंग है, आपको मैं भी दिखाता हूँ। मैं अपनी कार लाया, ऐसी कार मिलती है, ऐसी क्लीनी कार मिलती है, सिर्फ तीन कार। ये सारी जरूर और लास्ट में है आई वेयर खाड़ी। मेरी मासी खाड़ी के कपड़े पहनते हैं, खाड़ी कपड़े खाड़ी की टैचीज कुछ होता है, खाड़ी के कपड़े आई वेयर खाड़ी, खाड़ी की मैच बॉटल खाड़ी की और ये कुछ बैग वैग चटाई चुटाई पी खाड़ी की। मेरी मासी खेमलता नेगी पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर from the school of language Gujarat University Ahmedabad. She has also done post graduation diploma in mass communication from Punjab University Chandigarh. She is a novelist, poetry and also a conversation consultant and convent development and admit books. Her love for health and fitness brings her to the world to yoga. Yoga means to join with regular practice. Yoga has become part of her daily routine. She believes in the technical era. Oh, yoga is the only thing that could keep us close to the nature. Health is wealth. So, ये है इनकी book. और ये एक और योगा, इसका नाम नहीं पता मुझे, आप ये भी कर सकते हैं लेकिन ये मुश्किल है। So, please buy this book. मेरी मासी को आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर खिमरता नेगी लिखेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, कितु बाय बोल दो, बाय। इसको संतरा खाने की लगी हुई है। बाय।